पाकिस्तान में अकलियतों को नुकसान पहुंचाया गया तो सख्ती से पेश आएंगे। मुसलमानों के घरों में हमला करते रहे। ये तो शुरुआत है, शोले पूरे भारत में फैलेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजो ने एक बार फिर खबरदार कर दिया, मोदी की जारहाना पॉलिसियों से भारत तारीकी में डूब जाएगा। आईन में भारत सेक्युलर है। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुहिदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजी अमन के लिए खतरा है। ऐसी हरकतों से कश्मीर से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझा, पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया। अभिनंदन को रिहा करके अमन की मिसाल कायम की। फिरदौस आशिक की गुफ्तगू, कहा भारत में सड़कों पर मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं, अकलियतों को जुल्म और जबर का सामना है। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इमामत की। न्यू एमजना रोड पर आवाम का समंदर उमड़ आया। गवर्नर वजीर आला सिंध की शिरकत, मेयर कराची वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर रहनुमा भी आए। नेमतुल्ला को डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शाहिद खाकान के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए। एहतसाब अदालत ने रोप कार जारी कर दिए। कुछ देर बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एहसन इकबाल के भी रोप कार जारी कर दिए गए। नैब का राणा सना के अहले खाना से तहकीकात का फैसला। अहलिया बेटी और दामाद से तफ्तीश होगी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवाल नामा तैयार कर लिया। बिस्मिल्लाह सोसाइटी, फैसलाबाद की दुकानों और इन्वेस्टमेंट से मुतालिक सवालात शामिल हैं। लाहौर के सफारी पार्क में शेरों का हमला, नौजवान जांबहक हो गया। नौजवान जंगला फैलांग कर शेरों के पिंजरे में जा घुसा। इंतजामिया का बयान, बिलाल दो रोज कबल लापता हो गया था। पुलिस ने बाकियात तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में इस्लामिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस ने लाठियां बरसा दी। असातिज़ा ने क्लासेस का बॉयकॉट कर दिया। मुस्तकिल किए जाने के लिए एहतजाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के बाइस बलूचिस्तान के 5 अजला में इमरजेंसी नाफिस। वजीर रेलवे शेख रशीद ने क्वेटा तफ्तान रेलवे बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं चारों ट्रेनें पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, सरहद की बंदिश तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कोरोना वायरस ने एलपीजी महंगी करवा दी। फी किलो पर 50 रुपए तक इजाफा हो गया। कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई। ईरानी सरहद बंद होने से गैस फराहमी मुअत्तल हो गई है।